युवा कांग्रेस की जिला इकाई ने मध्य प्रदेश सरकार पर कोरोना से मृतकों एवं उनके परिजनों के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम जिले के कलेक्टर को ज्ञापन दिया। उमरिया जिले में कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों पर युवा कांग्रेस ने विरोध दर्ज कराते हुए रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम जिले के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। युवा कांग्रेस का कहना है कि सीएम शिवराज के दबाव में मौतों के आंकड़ों को कम करके बताया जा रहा है ताकि पीड़ितों को मुआवजा न देना पड़े। युवा कांग्रेस ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर जिले में महामारी से मारे गए लोगों की जांच कराने तथा सभी आश्रित परिवारों को मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप मुआवजा देने की मांग की है। ज्ञापन देते हुए संगठन प्रभारी वंदना बैन ने बताया कि कोरोना से उमरिया जिले में कम से कम 2000 लोग मारे गए, जबकि सरकारी आंकड़े में यह संख्या 62 बताई जा रही है। शासन का यह कृत्य अन्याय और पीड़ितों के साथ घोर अपमान है। सौंपे गए ज्ञापन में युवा कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर जनता से बेइंतहा टैक्स वसूलने, उद्योग व कंपनियों का निजीकरण कर युवाओं को बेरोजगारी के दलदल में धकेलने तथा निजी अस्पतालों से वैक्सीन शुल्क लेने की छूट देकर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की है। वहीं इस मामले में एसडीएम बांधवगढ़ नीरज खरे ने बताया कि युवा कांग्रेस ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर मांग किया है कि कोरोना से मौत के आंकड़ों की जांच कराई जाए और पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि के खिलाफ भी ज्ञापन दिया गया है। वहीं जब पूछा गया कि जितने लोगों की मौत जिला अस्पताल में हुई है उनके पूरे आंकड़े नहीं दिए गए हैं, इस पर कहा गया कि जांच का विषय है और जांच करवाई जाएगी। किस मामले को लेकर के यहां ज्ञापन दिया गया है और क्या मामला था? आज हमारी युवक कांग्रेस द्वारा उमरिया कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया है, जो हम लोग राष्ट्रपति महोदय के नाम से संबोधित करके उनको ज्ञापन दिया है। उसमें हमारी मुख्य मांग है कि कोरोना से जिस तरह से जनमानस को हानि हुई है और सरकार लीपा पोती कर रही है, उनके आंकड़े छुपा रही है, गलत आंकड़े पेश करके वो मुआवजा नहीं देना चाहती, तो हमारा सरकार पे सीधा आरोप ये है कि जिस प्रकार से आपने आंकड़े गलत करके मुआवजा ना देने का काम किया है, यदि आपने सही आंकड़े और जो जो लोगों की मृत्यु हुई है अगर उन तक सही तरह से जो सरकार की सुविधाएं हैं, जो सरकार का मुआवजा है वो नहीं पहुंचा, तो आने वाले समय में युवक कांग्रेस इस शिवराज सिंह चौहान की ईंट से ईंट बजा देगी। साथ ही साथ जो लोग बेरोजगार हुए, आज आप मध्य प्रदेश से लेकर देश तक की हालत देखिए, कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं, उन सबके लिए सरकार क्या कर रही है, इसका जवाब हम युवक कांग्रेसियों को सरकार से चाहिए कि वो क्या कर रही है इन लोगों के लिए, क्या गाइडलाइंस हैं, जो जिस तरह से उन लोगों ने मार्केट बंद करके रखा, जो व्यापारियों को नुकसान हुआ उसके लिए क्या गाइडलाइंस है। इन्हीं सभी जनता की जो पीड़ा है उसको हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से माननीय कलेक्टर साहब को प्रेषित किया है, और आगे भी अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई और जो मुआवजा है, जैसे कि कमलनाथ जी की मंशा है कि मुआवजा बढ़ा के 5 लाख किया जाए, और शिवराज सिंह चौहान जी की जो सरकार है वो 1 लाख रुपए मामूली सा 1 लाख इतनी बड़ी मृत्यु होने के बाद जनता को मुआवजा नहीं देना चाहती है, तो हम सभी लोगों ने एक मुहिम लगाई है कि अगर वो सही आंकड़े निकाल के मुआवजा नहीं देती है और जनता को कोई भी परेशानी होती है तो हम उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। आज कांग्रेस की तरफ से कुछ मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है राष्ट्रपति महोदय को संबोधित कर कि उसमें कोरोना से डेथ जिनकी हुई है उनको जो सहायता राशि है उसके परिवार को उसको बढ़ाए जाने की मांग की गई है। पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर भी उन्होंने कुछ आपत्ति दर्ज कराई है और वो ज्ञापन जो दिया गया है वो राष्ट्रपति महोदय को भेजा गया है। सर, जिले में कोविड से मौत के आंकड़े बहुत कम बताए जा रहे हैं, जबकि पॉजिटिव पेशेंट भर्ती हुए और हॉस्पिटल में ही मरे हैं, और कोविड गाइडलाइन में उनका अंतिम संस्कार किया गया मगर उनका नाम कहीं भी नहीं है डाटा में। नहीं, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा बता रहे हैं, फिर भी इसको ये जांच का विषय है, आप यदि संज्ञान में लाएंगे तो जांच करके ही पता कर पाएंगे, यदि कोविड पॉजिटिव है तो वो कोविड पॉजिटिव ही रहे। थैंक यू।